लेकिन इसके सामने एक दूसरी चीज है, इस नदी पे और पानी पे हम लौटे उसके पहले, जो आपने गाजीपुर में एक जगह दिखाया गया, लेकिन दो जगह और दिल्ली शहर में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इतने साल बाद उनको जागृति हुई और वो गए और उस पहाड़ को देख के आए, और वहां उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए नारे लगाने कि लैंडफिल साइट पे अरविंद केजरीवाल क्यों आ रहे हैं, इनके खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे। ये सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट दो असल में अवधारणाएं अब आ गई हैं। पहले तो साफ पानी, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के अधिकार आधार जो कहा जाता था, हमारे चिपको आंदोलन का नारा था, वहां से हम यहां पहुंच गए हैं। इन शहरों में जो कचरा पैदा होता है, क्या वो ट्रीटेबल नहीं है? क्या उसका इलाज हो नहीं सकता है? क्या दुनिया में हर देश में यह हाल है? मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही लैंडफिल साइट बना बना के वहां पहाड़ बना रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि हमारे देश में, हमारी राजधानी में यह हाल है? आलोक जी, मुझे बोलना है। जी जी चंद्रभूषण, एक तो ये कि जो गाजीपुर का जो कूड़े का पहाड़ है, उसको यहाँ हमारी मित्र मंडली में माउंट गाजी के नाम से जाना जाता है। हम लोग आपस में बात करते हैं कि माउंट गाजी के बगल से हम लोग गुजर रहे थे तो ऐसा हुआ। तो जो माउंट गाजी है, उसकी महक कभी कभी इतना ज़्यादा परेशान कर देती है, सवेरे सवेरे सो के उठने पर ऐसा लगता है, यहाँ से हमारे यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है वो, ऐसा लगता है कि जैसे कि बिल्कुल सीवर खुल गया है कोई, या फिर मतलब इधर उधर से कि कहाँ से इतनी बदबू आ रही है, ऐसा लगता है। तो दिल्ली के साथ ये है कि जो तीनों तरह के प्रदूषण संभव हैं संसार में और जिन पर बात होती है, हवा का, पानी का, और जो जो सॉलिड वेस्ट आप कह सकते हैं कचरे का, इन तीनों मामलों में दिल्ली कभी कभी पूरी दुनिया में अव्वल हो जाता है और आम तौर पर भी काफ़ी बुरी स्थिति रहती है। यह जरूर है कि भारत चूंकि सबसे विषमतापूर्ण देश, अभी दुनिया के बड़े देशों में सबसे अधिक विषमतापूर्ण देश है, और दिल्ली उसकी राजधानी है, इसलिए दिल्ली विषमता की भी राजधानी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं, किस चीज पर ध्यान लोगों का ले जाना चाहते हैं। यहाँ का मीडिया या यहाँ के वे लोग जो कैमरे को कंट्रोल करते हैं, जिनके पीछे जिनका दिमाग इसके पीछे रहता है कि कौन सी छवि प्रस्तुत की जानी है, अगर वो चाणक्यपुरी में कैमरा लगा देंगे तो यह लगेगा कि दिल्ली जो है दुनिया की सबसे साफ सुथरी जगह है, सबसे अच्छी जगह है, शांतिपूर्ण जगह है। तो यह जान नहीं सकता है कोई बाहर से देख के, या फिर जो छवियों के सहारे जो शहर के बारे में अंदाजा लगाते हैं लोग, वो कभी जान नहीं सकते हैं कि दिल्ली की क्या दुर्दशा है। इस शहर की, इसी शहर में कितने गंदे इलाके हैं जहां पर कि आप 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते, और इसी शहर में इतने साफ सुथरे ऐसे इलाके हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि स्वर्ग में रह रहे हैं। और ये भी है कि एक जगह को साफ सुथरा रखने के लिए दूसरी जगह को गंदा करना भी जरूरी होता है। एक जगह से कूड़ा उठाया जाएगा तो वो कहीं जाएगा भी। ये जो चीज है कि कूड़ा न दिखे, कूड़ा न हो, उसको उसको प्रोसेस किया जाए, उसको वहाँ की जिंदगी को जीने लायक बनाया जाए, यह ऑप्शन नहीं है। भारतीय राजनीति की जो जो सोच है उसमें इसके लिए कोई जगह नहीं है, जो कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा यह बात प्रतिबिंबित होती है कि एक से एक चुनाव से दूसरे चुनाव, एक चर्चा से दूसरी चर्चा, एक हल्ले से दूसरे हल्ले के बीच में बढ़ते रहो, यही दिल्ली का माहौल है अभी। चूंकि दो चीजें हैं, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी है और छठ पूजा भी है, तो इसके चलते कुछ दिन का है। मैं जनता को इसलिए दोषी नहीं ठहराता कि लोग तो बहुत सारे तरीकों से अपनी आपत्तियां जताते हैं, दुख जताते हैं,
कई बार आंदोलन में भी गए, अगर सरकारों के एजेंडा पर ही यह नहीं रहेगा, तीनों तरह का प्रदूषण, न वायु का, न जल का और न बाहर इलाकों का, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग भी एक स्तर पर पहुंचकर थक जाते हैं कि अब क्या किया जाए। दिल्ली के बगल में गाजियाबाद है, गाजियाबाद के एक मोहल्ले में, एक इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पर तो तीन बार ऐसा हुआ कि जो भी जगह चुनी गई कि यहाँ कचरा डाला जाएगा, उस जगह को हर बार किसी बिल्डर को अलॉट कर देते हैं। तो ये दिक्कत है कि यहाँ की जो चुनी गई, यहाँ तो मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है कि कभी बीजेपी के अलावा कोई और यहाँ रहा भी है, नहीं, 21 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, हमेशा बीजेपी के ही लोग चुने जाते हैं। तीन बार ऐसा हुआ कि जगह तय हुई कि यहाँ डंप बनाना है और उस डंप को बिल्डर को दे दिया। दिल्ली की तो समस्या ये है कि एक डंप में बहुत कूड़ा है और बगल में गाजियाबाद में डंप ही नहीं है। हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं दैट इज ऑलरेडी ए डंप, मतलब आपकी गली में ही कूड़ा घूम के टहलता रहता है, एक कोई बंदा उठा के यहाँ से वहां डालाता है, अगले दिनों फिर आपके यहाँ आ जाता है। तो ये जो दृष्टि है यहाँ की, जो मायोपिक जो पॉलिटिक्स है, जो कहा जाए कि निकट दृष्टि की शिकार जो राजनीति है, जो अभी और यहीं में जीती है, उसके साथ तो आप किसी भी दूरगामी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर सकते हैं, बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ये दिक्कत है कि एजेंडा सेट भी किया जाए, एजेंडा को ठोस भी किया जाए, तो उसका मतलब क्या बचता है? सीएससी की इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, यमुना को लेके, यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, हवा को लेके, कोई और इस तरह से अगर आप यहाँ की दोनों सरकारें, दुर्भाग्यवश दोनों बड़बोली पॉपुलिस्ट सरकारें अभी यहाँ हैं और वो बढ़िया जोड़ा मिल गया है, इनमें से किसी से अगर आप सीएससी की एक रिपोर्ट रख के बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी राष्ट्र विरोधी एजेंसी को रेफरेंस बना के बात कर रहे हैं, ऐसी हालत है। आप बताइए हम लोग करें तो क्या करें? अनम्यूट कर ले प्लीज। ये चंद्रभूषण जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सीएससी यानी जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, जिसने मुझे लगता है कि अब से करीब 30-35 साल पहले देश का पर्यावरण और भारत का पर्यावरण दो रिपोर्ट निकाला, हमारा पर्यावरण और देश का पर्यावरण, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, दो रिपोर्ट्स निकाली थी, और उससे इस देश में पर्यावरण दरअसल एक केंद्रीय विषय के तौर पर डिबेट में आया था। वो एजेंसी जिसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत काम किया है, उसकी रिपोर्ट को भी अगर आप सामने रखते हैं तो जो आपने कहा आज की तारीख में, किसी भी तरह का सवाल उठाने वाला देश विरोधी या अर्बन नक्सल कहलाता है तुरंत। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।